प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे जिस पठन कौशल प्रविधि की चर्चा कर रहा हूं उसे KWL चार्ट विधि कहते हैं। पठन कौशल मात्र एक भाषा शिक्षण का कौशल नहीं है, वरन पठन की आवश्यकता प्रत्येक विषय में होती है, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे कोई भाषा हो। पठन कौशल यदि हमारे विद्यार्थियों में उचित प्रकार विकसित हो जाए तो वे किसी भी विषय में अच्छी तरह से पठन कर सकते हैं। यह चार्ट विधि ओगले ने 1986 में प्रस्तावित की और यह मूलतः एक तालिका आधारित प्रविधि है। इसमें एक तीन कॉलम की तालिका बनती है, अर्थात इसके तीन प्रमुख आयाम हैं। नो का अर्थ है कि पढ़ने से पूर्व हमारा विद्यार्थी क्या जानता है। Want to know, दी गई विषय वस्तु, दिए गए लेख, दिए गए समाचार पत्र के हिस्से या किसी पाठ को पढ़कर विद्यार्थी यह लिखता है कि वह क्या जानेगा। और L अर्थात लर्न में वो पढ़ने के उपरांत यह लिखता है कि उसने पढ़कर क्या जाना। तो एक तरह से यह पठन प्रक्रिया के विश्लेषण का माध्यम है, जिसमें K का मतलब नो, जो पहले से जानता है, W का अर्थ want to know, जो जानना चाहता है, और L का अर्थ learn, पढ़ने के बाद जो सीखा उससे है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें और जानें कि KWL प्रविधि के उद्देश्य क्या है। KWL प्रविधि पढ़ने वाली विषय वस्तु के संबंध में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और समझ का विश्लेषण करती है। ये प्रविधि विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें जो ज्ञात है उसका विश्लेषण भी किस प्रकार करें, साथ ही वे जिस विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं उसके पठन के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें, और अपने पठन को स्वयं परिवेक्षित करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, कि मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना सही पढ़ा, क्या मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है, इसको कैसे करें। इस चार्ट के प्रयोग के बहुत लाभ हैं। एक तो यह चार्ट किसी भी पाठ, लेख या समाचार को समझकर पढ़ने की प्रविधि है, अर्थात एक तरह से यह विषय वस्तु की बोध गम्यता में वृद्धि करती है। इस चार्ट के लाभ ये हैं कि यह किसी भी विषय में प्रयोग की जा सकती है, चाहे वे हिंदी भाषा शिक्षण या अंग्रेजी भाषा शिक्षण हो, चाहे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान हो या गणित हो। इसमें पठन और पठन के साथ साथ चिंतन पूर्ण विमर्श, कि जो पढ़ा जा रहा है उसके बारे में चिंतन, ये सब साथ साथ चलता है और ये एक तरह से अर्थपूर्ण पठन में सहायक होने वाली विधि है। आइए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। KWL में पहला अक्षर के है, What I know, मैं क्या जानता हूं। यह आयाम किसी भी विषय वस्तु, चाहे वह लेख है, समाचार है या पाठ है, उसके पढ़ने से पूर्व का चरण है। इसमें विद्यार्थी इस पर विचार करते हैं कि वे पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु के बारे में पहले से क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। विद्यार्थियों से कहा जाता है कि वे जो पहले से जानते हैं उस पर विचार करके उसे What I know वाले कॉलम में लिखें। इसका दूसरा आयाम है W, Want to know, क्या जानना चाहते हैं। किसी भी पठन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों से ये चिंतन करने को कहा जाता है कि वे पठन क्यों करने जा रहे हैं, पठन से ऐसे कौन से लाभ हैं जिनकी उन्हें अपेक्षा है, क्या इस विषय वस्तु का पठन उनके ज्ञान निर्माण में मदद करेगा, यदि करेगा तो कैसे करेगा। सामान्यतः यह प्रश्न पठन के अर्थपूर्ण होने और विषय वस्तु की समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। तीसरा आयाम लर्न्ड है, यह पठन के उपरांत का चरण है। W वाले कॉलम में विद्यार्थियों ने जो प्रश्न लिखे, क्या उनका उत्तर उन्हें मिला या नहीं, पठन के उपरांत वे इस पर विश्लेषण करते हैं। पठन के लिए जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था वे उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं, यदि कोई अधिगम अंतराल रह गया तो वे क्या है, क्या उसे पूरा करने की आवश्यकता है, क्या पठित विषय वस्तु ने सभी उद्देश्यों को पूर्ण किया या किसी अतिरिक्त अध्ययन सामग्री से किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। एक शिक्षक इस प्रविधि का प्रयोग कैसे करे। एक शिक्षक होने के नाते आप सबसे पहले अपने विद्यार्थी को एक KWL चार्ट प्रदान करें। यदि आप चार्ट की प्रति प्रदान नहीं कर सकते तो उससे कहें कि वह अपनी अभ्यास पुस्तिका में तीन कॉलम का एक चार्ट बनाए, जिसमें एक तरफ लिखे वो क्या जानता है,
एक तरफ लिखे वो क्या जानना चाहता है और तीसरे कॉलम में वो लिखे कि उसने क्या सीखा, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न। अब ऐसा करने के बाद विद्यार्थियों को जो भी लेख पाठ समाचार शोध आदि पढ़ने के लिए दिया गया है उस पर पढ़ने से पूर्व उन्हें चिंतन करने को कहें, उनसे कहें कि आप इस पाठ को पढ़ने से पहले इस विषय में क्या जानते हैं। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, विद्यार्थियों के पास जो पूर्व से जानकारी है वह क्या है, उन्हें कहां से मिली, किस प्रकार की जानकारी है, उनसे सब कुछ इस कॉलम में लिखने को कहें। साथ ही हो सकता है उनके विचार कई बार संगठित ना हो, वे केवल कुछ शब्दों में अपनी बात कह पाएं, तो उनके विचारों को संगठित करने और उनके विचारों के सामान्यीकरण में आप एक शिक्षक के नाते उनकी मदद करें। फिर विद्यार्थियों से ये कहें कि आप इस विषय के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है। वॉन्ट टू नो में उनसे चर्चा करें कि उन्हें प्रस्तुत सामग्री जो आप उन्हें पठन के लिए दे रहे हैं वह क्यों दी जा रही है, उन्हें क्यों इसे पढ़ना चाहिए, किस अधिगम उद्देश्य की पूर्ति में यह सामग्री सहायक हो सकती है, ऐसे कौन से संप्रत्यय विचार या प्रक्रिया हैं जिनका स्पष्टीकरण उन्हें इस सामग्री से प्राप्त होने की अपेक्षा है। जब वे इस कॉलम में अपनी सारी जानकारी लिख लें तब आप उनसे कहें कि अब आप चिंतन पूर्ण ढंग से आपको जो सामग्री दी गई है उसका पठन करें। और जब विद्यार्थी उसका पठन प्रारंभ कर दें और पठन समाप्त कर लें उसके बाद उनसे कहें कि आपने W वाले कॉलम में जो प्रश्न लिखे थे उनके उत्तर L कॉलम में लिखिए, अर्थात मैंने क्या जाना, मैंने क्या सीखा, विद्यार्थियों को क्या क्या उत्तर प्राप्त हुए, क्या उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, यदि नहीं तो वे कौन से प्रश्न रह गए जो अनुत्तरित रह गए, कौन से ऐसे अधिगम अंतराल रह गए, क्या उन्हें किसी अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की आवश्यकता अनुभव हो रही है, वे सारे रिफ्लेक्शंस, वे सारे अपने चिंतन बिंदु इस कॉलम में लिखेंगे। कि जब आप इस विधि का प्रयोग कर लें, जब KWL चार्ट विद्यार्थी पूरा बना लें, तब सभी विद्यार्थियों से या तो समूह में चर्चा करने को कहें या उनसे व्यक्तिगत रूप से अपने अपने अनुभव साझा करने को कहें। आप ये उनसे यह भी कह सकते हैं कि वे अपने अनुभवों को मुख्यतः कॉलम L में जो लिखे गए अनुभव हैं उन पर चर्चा करें। आइए अब हम इस KWL चार्ट के विभिन्न विषयों में प्रयोग के कुछ उदाहरण देखते हैं। यह विज्ञान विषय में प्रकाश शीर्षक पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा निर्मित किए गए KWL चार्ट का एक उदाहरण है। आप देखेंगे उन्होंने K कॉलम में लिखा है, चूंकि प्रकाश पर भी अध्ययन करने वाले हैं कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ग्रहों उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश का फैलाव होता है, ये मूलभूत जानकारी उन्हें है। इस अध्ययन से उनकी अपेक्षा है कि वे जान पाएंगे अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, प्रिज्म कैसे कार्य करता है, लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है। शिक्षक भी उसमें कुछ और प्रश्न जोड़ सकते हैं, जैसे लेंस की क्षमता किस प्रकार निर्धारित होती है। जब वे अपना पठन पूरा कर लें तब उनसे कहें कि उन्होंने क्या जाना। तो देखिए विद्यार्थियों ने लिखा है वे अपवर्तन और परावर्तन के उदाहरण दे सकते हैं, वे अपवर्तन और परावर्तन के नियम बता सकते हैं, परंतु उन्हें प्रिज्म की कार्यप्रणाली का ठीक से बोध नहीं हो पाया। विद्यार्थी लिखता है कि मैं लेंस और दर्पण में अंतर तो लिख सकता हूं, लेकिन लेंस की क्षमता निर्धारण को और समझने की मुझे आवश्यकता है। तो ये एक अधिगम अंतराल है, ये एक लर्निंग गैप है जो विद्यार्थी ने खुद अनुभव किया अपने W कॉलम में लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखते समय। आइए देखें सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यह एक उदाहरण कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, इसका शीर्षक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए इसमें विद्यार्थी ने लिखा है भारत वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई आदि ने भाग लिया। यह मूलभूत जानकारी उसे है, लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है, व्हाट ही वांट टू नो, व्हाट शी वांट टू नो, वो जानना क्या चाहता है, वो क्या चाहती है। विद्यार्थी ये जानना चाहता है कि 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के विविध केंद्र कौन से थे, इनमें किन किन राजाओं ने भाग लिया, 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या हुए। ये उसकी अपेक्षा है उस पठन से, जो पठन के लिए लेख या पाठ आपने अपने विद्यार्थी को दिया है। अब उसको पठन करने के उपरांत उसी विद्यार्थी ने लिखा है
कि स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों को मैं सूचीबद्ध कर सकता हूँ, अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर उसे प्राप्त हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन राजाओं रियासतों ने भाग लिया उनका नाम उसको ज्ञात हो गया, लेकिन जो उसके केंद्र थे वह उनको भारत के मानचित्र पर अंकित नहीं कर पा रहा, अर्थात वह उन केंद्रों की पहचान ठीक से नहीं कर पाया है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों के बारे में उसको जानकारी हो गई है। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय उसने पठन के उपरांत ही पाया कि एक जगह उसका अधिगम अंतराल है जबकि अन्य जानकारी को प्राप्त कर चुका है। आइए देखें कि इसको गणित विषय में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा 6 में भिन्न का शीर्षक पढ़ाते समय एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे एक KWL चार्ट बनाएं। विद्यार्थियों ने लिखा कि मैं भिन्न के सामान्य रूप को जानता हूं, भिन्न और पूर्ण का एक भाग है इसको प्रदर्शित करती है ये पता है, भिन्न उचित और अनुचित हो सकती है ये जानकारी है, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि भिन्न के और विविध प्रकार कौन से हैं, भिन्नों के विविध स्वरूपों में कैसे बदला जा सकता है, विषम भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्नों का यदि योग करने को आ जाए, जोड़ करने को आ जाए तो कैसे करते हैं। फिर उसे जो अध्ययन सामग्री दी गई उसने अध्ययन सामग्री का अध्ययन किया, उसने अभ्यासों को किया और अभ्यासों को करने के बाद उसने ये लिखा, भिन्न के विविध प्रकारों के उदाहरण में पहचान सकता हूँ, अर्थात कौन से भिन्न उचित या अनुचित है, कौन से भिन्न विषम है, कौन से भिन्न मिश्रित है। मैं मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में बदल सकता हूँ, मिश्रित भिन्नों के योग में अभी मुझे और अभ्यास की आवश्यकता है। तो यहाँ फिर उसने एक अधिगम अंतराल की पहचान की। इसी प्रकार भाषा शिक्षण में मैंने कक्षा 9 से एक उदाहरण लिया है, शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, बड़ा अच्छा लेख है कक्षा 9 की किताब में दिया है। तो बचपन के दिन पढ़ने से पहले शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम लिखो तुम अपने बचपन के बारे में क्या जानते हो, तो उसने के कॉलम में लिखा मुझे अपने बचपन के अनुभव पता हैं, बचपन के मित्र पता हैं, बचपन में मैंने जो खेल खेले पता हैं, बचपन में जो कहानियां सुनी वो पता हैं। लेकिन वो ये जानना चाहता है कि सबके बचपन के अनुभव भिन्न क्यों होते हैं, क्या लेखिका के अनुभव और मेरे अनुभवों में कोई समानता या भिन्नता है, लेखिका की माँ में क्या गुण थे, उस समय लड़कियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी जिस समय का वर्णन लेखिका ने इस पाठ में किया है। उसके बाद वह उस पाठ को पढ़ता है, विद्यार्थी उस पाठ को पढ़ने के उपरांत ये पाता है कि जब वह पाठ पढ़ रहा था तो उसे भी अपना बचपन याद आया, उसने अपने बचपन और लेखिका के बचपन में तुलना की, वह अपनी माँ के गुणों को पहचान पाया और साथ ही वह तात्कालिक परिस्थिति और आज की परिस्थिति में तुलना करके ये जान सकता है कि लड़कियों की सामाजिक स्थिति में किस प्रकार के बदलाव आए हैं। अर्थात उसने अपने सभी उद्देश्यों को जो W कॉलम में लिखे थे वो प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार ये सारे उदाहरण मैंने इसलिए दिए ताकि आप ये जान पाएं कि ये KWL चार्ट केवल भाषा शिक्षण का नहीं परन किसी भी विषय में प्रयोग होने वाला एक अच्छा उपकरण है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सब आए अपने विषय में पठन की इस प्रवृत्ति का प्रयोग करें और विद्यार्थियों को एक नया अनुभव दें। आप सभी एक अच्छे शिक्षक बने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।